नमस्कार, मैं हूं इसिका शर्मा और सीजीआई न्यूज में आपका स्वागत है। नगरपालिका चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। पालिका के जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वार्डवासी कितना खुश या कितना नाखुश है, देखिए हमारे खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। अब बोलेगा चांपा। जानिए अपने वार्ड को। वार्ड नंबर एक, इसे हनुमान धारा वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नए परसीमन के बाद वार्ड का विस्तार हनुमान धारा राम जानकी मंदिर से पूर्व से चलते हुए राम बांधा तालाब तक। राम बांधा तालाब के उत्तर पूर्वी से दक्षिण में पुरुषोत्तम सिदार मकान होते हुए धोबीपारा संतोषी मंदिर तक है। इस वार्ड में मौजूदा पार्षद और नगर पालिका ने मिलकर करोड़ों का विकास कराया है। देवांगन धर्मशाला, कई जगह सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, परमेश्वरी भवन, नाला निर्माण, इंडोर हॉल, वृद्धाश्रम सहित अनेक कार्य हुए हैं। इस वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 1300 है। वार्ड नंबर एक की प्रमुख समस्या पेयजल नाली व मोहल्ले की सफाई की है। वार्ड की मौजूदा पार्षद श्रीमती रमा देवी नामदेव है, जो कांग्रेस से है। देखा जाए तो यह वार्ड कांग्रेसी है। बीते 5 वर्षों में यह वार्ड 2 नंबर वार्ड में शामिल था, लेकिन परसीमन के बाद यह वार्ड 1 हो गया है। इस बार यह सीट सामान्य महिला है। ऐसे में इस वार्ड से कांग्रेस से मौजूदा पार्षद श्रीमती रमा देवी नामदेव, श्रीमती अंजलि देवांगन तो भाजपा से श्रीमती सरोजनी कसेर कतार में हैं। नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं जिले का सबसे बेहद और लोकप्रिय चैनल सीजी लाइव न्यूज। तो हमने जैसे कहा था कि 1 नवंबर से हम वार्ड परिक्रमा की शुरुआत करेंगे और आज उसी कड़ी में वार्ड नंबर 1 में हम जो है अभी बड़ चौक के पास खड़े हुए हैं और यहाँ की जो पार्षद हैं रमा देवी नामदेव। रमा जी, सबसे पहले तो हमारे जो चैनल सीजी लाइव में आपका स्वागत है। बताएंगे कि यहाँ जो है क्या क्या कार्य किए हैं पार्षद बनने के बाद, आपने क्या कार्य जो है विशेष रूप से जो उपलब्धि हो वो बताएं। ठीक है, वो है ना, मेरे लड़का भी बोल सकते हैं। अच्छा, वही काम करवाते हैं ना आपके लड़के ही? पूरा काम देखते हैं आपका? और आप क्या करते हैं? आप कभी कभी मीटिंग में जाती हूँ। अच्छा, कभी कभी मीटिंग में जाते हैं? हाँ। और वो हमेशा काम करवाता है घूम घूम के। अच्छा, सब काम कराता वही है। तो खाली कहना ये चाहिए कि खाली नाम के ही पार्षद हैं? मेन अगर पार्षद कहेंगे तो आपका लड़का ही है। हाँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। तो मेरा बेटा संभालता है। अच्छा, तो अभी फिर से जो है पार्षद के लिए? हाँ। आप फिर दौड़ में शामिल होंगे कि नहीं? हाँ, होंगे। हाँ। तो क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे विशेष तौर पर, क्योंकि आप ही को ही प्रचार करने जाना है, आप ही को ये सब चीज करना है, तो आप लोगों को क्या समझाएंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या और हर समस्या को पूछ के काम करवाने जाएंगे? जाएंगे समस्याओं का समाधान कर। हाँ, करेंगे तो, जो भी बोलेंगे करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली, इनके जो लड़के हैं वही जो है सारा कामकाज देखते हैं, और चूंकि ये महिला गृहिणी भी हैं तो घर में ही व्यस्त होती। कभी कभार अगर कोई मीटिंग हुई तो ये जो है मीटिंग में शामिल ज़रूर होती है। बाकी जो कुछ काम होता है वो जो है इनका लड़के हैं वो जो है सारा कामकाज देखते हैं। और भी यहाँ महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपकी पार्षद है वो आपकी उम्मीदों पे कितनी खरी उतरी है, क्या काम कराएं, क्या कहना चाह रहे हैं? सभी बातों में खरी उतरी है सर, जो काम बोलते हैं वो कराती हैं और साथ भी देती है कुछ कुछ में। जैसे दुर्गा अगर बैठाते हैं तो पूरा पूरा साथ देती है। पार्षद बहुत अच्छी है हमारी। अच्छी है, हम लोग बहुत खुश हैं उससे। और भी हैं यहाँ महिलाएं? जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जी जी बहुत अच्छा, जो भी कहते हैं जाते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है भैया ऐसा ऐसा काम है तो तुरंत इमीडिएटली करते हैं। भैया करते हैं कि मम्मी करती है? नहीं, पार्षद भाई दोनों मम्मी जी करते हैं, पूरा सहयोग भी करते हैं, मम्मी पार्षद दीदी करती हैं। अच्छा जी, तो आप प्रसन्न हैं उनसे? बहुत 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 प्रसन्न है। तो यहाँ के कुछ लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, चलिए फिर दूसरे मोहल्ले में चलते हैं। वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं पार्षद, उनकी उम्मीदों में कितनी खरी उतरी है, चलिए देखते हैं। विजय नामदेव जी, आप आइएगा यहाँ,
और चलिए शुरुआत करते हैं वार्ड परिक्रमा की और लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि जो पार्षद 5 साल पहले बड़े ही धूमधाम से यहाँ के लोगों ने जो भेजा था नगर पालिका में, वो कितनी उम्मीदों में खरे उतर पाए या नहीं। चलिए अब मोहल्ले वासियों से और पब्लिक से ही पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जानते हैं मोहल्ले की यहाँ महिलाएं हैं बहुत सी, उन्हीं से पूछते हैं कि जो उनकी उम्मीदों के रूप काम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ जो है वार्ड नंबर एक में आपने रमा देवी को जो है पार्षद बना करके भेजा था, तो वो आपकी उम्मीदों में कितनी खरी उतर पाई, क्या क्या काम हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? अब ऐसे तो काम अब सब काम हो गया है, अब बच गया है नाली नल जो पानी दिए हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है। और ये मोहल्ला वासी तो अब क्या कहेंगे, अब उसका तो कहना ही ठीक है। अब देखिए भाई, नहीं तो भागीरथी नल जल योजना के तहत यहाँ पाइपलाइन बिछी है, हाँ। आया सब चीज़, लेकिन पानी आप लोगों के यहाँ आया कि नहीं? आया पानी नहीं आया, बहुत जने के घर में तो नल ही नहीं है, नल लगा ही नहीं है आप लोगों के यहाँ? नहीं लगा है। तो पानी की एक समस्या, विजय जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी मम्मी जी से भी हमारी बात हुई थी, माता जी से, सारा काम जो है नगर पालिका का आप ही देखते हैं, और चूंकि वो गृहिणी हैं घर के काम में भी व्यस्त रहती हैं, है ना, तो इनकी जो समस्या है पानी की, वो पानी की समस्या क्यों दूर नहीं हुई? पानी की समस्या ऐसा सर मालूम है कि एक्चुअल में जो पानी अभी पूर्ति नहीं हो पा रहा है, उसके बीच में एक एक दिन दो दो दिन करके खोले हैं, एक एक घंटा दो दो घंटा करके, तो कारण क्या है, पानी की जैसे ही मतलब पानी की समस्या वहाँ दूर होती है, पानी अफरात मात्रा में आता है, उसके बाद पूरा चालू हो जाएगा रनिंग। तो अभी ये लोग कैसे करते हैं पानी की, क्या व्यवस्था आप करते हैं, कोई टैंकर की व्यवस्था करते हैं या पानी की कोई उचित व्यवस्था करते हैं, क्या क्या करते हैं? राहत नल लगा हुआ है बीच बीच में, यहाँ पर भी नल लगा है, बीच में भी नल लगा है, साइड में भी नल लगा है, घंटा एक घंटा कभी कभी बहुत पानी देते हैं। और वहाँ जो नल है वो तो ही बंद बता रहे हैं, हालांकि उसको ही मैं चालू करवा दूंगा। यहाँ पर बोरिंग है, साइड में बोरिंग है, हैंडपम्प यहाँ पर भी है, वो चौक में भी है, इस टाइप से इन लोगों की समस्या। चलिए पानी की समस्या को तो विजय जी बोल रहे हैं कि दूर करेंगे, बहुत जल्द जो है पानी की समस्या को दूर करेंगे, और पानी के अलावा और क्या समस्या है, क्या हम उनका नल नहीं लगे? हाँ वो तो पानी की तो बात हो गई है ना, पार्षद जी बोल रहे हैं जल्द ही होगा, तो नल लगना जरूरी है ना, लगना जरूरी है। घर में ढलाई तेल नहीं देते, किसी क्या चीज का ढलाई नहीं दे रहे हैं? ढलाई वाला घर नहीं दे, काहे के लिए ढलाई है बेकार वाला। अच्छा, तो ये भी एक समस्या है, इसमें बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या चीज़ का? देखिए जितना नल कनेक्शन था लगभग बढ़ चुका है, बाकी जितना भी बचा है उसका प्रयास चालू है, नगर पालिका प्रयास कर रही है कि जिनका घर बचा हुआ है, जिनका टैक्स पड़ गया है, वो 350 रुपये पटा के नल जल योजना का लगा सकते हैं। देखिए एक बात और यहाँ सामने आ रही थी कि आपके द्वारा और पालिका के द्वारा जो है टैक्स तो सब लोगों से भरवा लिया गया, लेकिन जो है जो भागीरथी नल जल योजना के तहत इन लोगों के यहाँ जो नल लगना था वो अभी तक नहीं लगा, तो टैक्स पटाने के बाद भी ऐसा क्यों देरी हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं है, टैक्स जहाँ पटा है लगभग वहाँ कंप्लीट हो चुका है, बाकी अगर कुछ बच गए होंगे तो उनका समस्या मैं क्लियर कर दूंगा, वो अपने टैक्स का भी मेरे पास दे दें। आप बताएंगे? मेरा पैसा हाँ दे चुका हूँ मैं। क्या चीज़? नल के लिए पैसा मेरा उसी दिन दे दिया जिस दिन वो आया उस दिन, आज तक के नहीं बना है, नहीं लगा है। और क्या समस्या प्रमुख रूप से अगर बोलेंगे, क्या समस्या और क्या प्रमुख रूप से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ हमारे साथ ये विकलांग जो है उनसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या तो लगभग पूरी हो गई है भैया, लेकिन जो भी मोहल्ले वासियों का समस्या वो जल्द से जल्द पूरा हो, तभी तो पार्षद अध्यक्ष के लोगों के ऊपर भरोसा बनेगा ना। पार्षद जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, हमसे ही हैं ना, यदि जनता ना रहे तो इन लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना, तो पहले समस्या जनता का पूरी होना चाहिए, तभी तो पार्षद लोग जीत पाएंगे, ऐसा है ना, तो सभी समस्या पहले हर वार्ड में पूरा होना चाहिए। तो क्या समस्या है? और जो जो लेडीज़ लोग बोल रहे हैं पानी की समस्या, वो हर घर में पूरी होनी चाहिए, नल की व्यवस्था भी है, रोड की है, जो भी व्यवस्था है पहले उसको पूरा करो ना।
तभी तो पार्षद लोग मतलब विश्वास बना पाएंगे ना जनता के दिलों में। तो अभी जो ये तो सत्र बीत गया, अभी जो पाँच साल जो जो भी शिकायत है धीरे धीरे पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, धीरे से कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। तो अभी फिर से रमा देवी अगर चुनाव लड़ती है तो फिर से जिताएंगे उसको? अब इसका तो कोई कहना नहीं है भैया, जो जो उनके जो जो विश्वास के पात्र होंगे वो तो साथ देंगे ही। कैसा काम कर रही है? कैसा अपने तरफ से वो अच्छी काम कर रही हैं, कोई बुराई नहीं है उनमें। हाँ, जो भी उनको ऊपर से ऑर्डर मिलेगा वही तो काम कराएंगे ना, वो भी ऐसा नहीं है को अपने तरफ से काम कराएंगे। कुछ काम हुआ जो कमी है आपके? हाँ, आपके पास कुछ? मेरा काम अभी बचा हुआ है जो कि भैया को मैं बोल चुकी हूँ, बोले हैं कि पूरा कराएंगे। क्या काम? जो हमारे उधर पे पानी भी नहीं है और नाली का व्यवस्था भी नहीं है और रोड भी खराब हो गया है। मुख्य रूप से अगर यहाँ देखा जाए तो पानी और नाली की ही एक समस्या यहाँ लोग बता रहे हैं। अच्छा चलिए, गरीबी रेखा का कार्ड सबका बना है? जो ऐसा हो जो छूट गया हो सबका बना? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को जो है या घर मिला है? कितने जैसे जितना भी घर है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होता है कि उनको पट्टा या पर्ची चाहिए, ऐसा मेरे को सुनने में आया है, आप ज़्यादा जानोगे। तो पर्ची या पट्टा चाहिए, तो पर्ची पट्टा के लिए अभी लगातार 3 दिन पटवारी साहब आर आई मैडम के साथ में आए थे और सभी का फॉर्म जमा किए हैं, लगभग 300 सुपर फॉर्म जमा हो गया होगा। आप मन के हो है? जैसे इनका पर्ची पट्टा बन के आता है उसके बाद जो भी कार्यक्रम रहेगा आगे का वो प्रधानमंत्री आवास के तहत फिर उस टाइप से कार्रवाई। तो अभी तक एक आध दो चार घर बनाए हैं? अभी तक एक घर बने हैं। नहीं, एक दो घर बना होगा। एक घर बना है, लेकिन क्या है ना, जिनके पास पर्ची है जिनके पास पट्टा है उन्हीं को प्रधानमंत्री का। शौचालय की बात करेंगे तो सबके घर में शौचालय बना है? ऐसा घर जो न बना हो सबके घर में बना है? तो अपने दम से बनाए हैं जी? अपने दम से बनाए हैं। आप अपने दम से बनाए? हाँ, अपने घर में रखे हैं, छोटे से रखे हैं। अब घर में महिला हैं तो बाहर कहाँ जाएंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ। तो सरकारी नहीं बना है? नहीं बना है। नहीं, शौचालय की अगर बात करें तो कितने मतलब शौचालय आपने? लगभग सभी घर में शौचालय बन गया है, उसका काम पूरा कंप्लीट है। पालिका की तरफ से कितने मतलब सरकारी जो अपने शौचालय प्रधानमंत्री का जो योजना है उसके तहत कितने शौचालय जो है? तो गिनती में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग जिनके हाथ पहले बन चुका था उनको जरूरत नहीं थी, बाकी जिनके यहाँ बचा था लगभग पूरे घर में बन चुका है। ये तालाब पार में एक कोठी के नहीं बने हैं? ये तालाब पार में एक कोठी नहीं बने हैं? तालाब पार में? हाँ, तालाब पार में एक बना। तालाब पार में कैठो घर है? बनेचकन घर तब लगभग कैठो है, तब 40-50 दिन हो ही। कितने 40-50 घर? हाँ, वहाँ के जाते हैं। चलिए, हम गिनते रहेंगे, खाली ये बताइए कि क्यों नहीं बना? कितने, चाहे चार घर हो चाहे 18 घर हो? मैं तो ये नहीं जानता कि जैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्या है, तालाब जो पार है ना वहाँ से अपन स्टार्ट कर दिए थे, जो मान लो उसका कुछ राशि रहता है, क्या 1800-1500 जो भी रहता है राशि, जो राशि दिए है उनका बन चुका है। मेरे सामने की बात है, मैं खुद खड़े होकर बनवाया हूँ, ये तालाब पार की बात है, आप मेरे साथ चल के वहाँ देख सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। पार्षद पुत्र तो कह रहे हैं कि बनाए हैं सब जगह, आप बोल रहे हो नहीं बना है? आपके घर में बनाए कि नहीं बनाए? मोर घर बने हैं। आपके घर में बनाए और बाकी मोहल्ले में नहीं बनाए? इतनी बार के नहीं बने हैं। अच्छा, चलिए, बने कुल मिलाकर के यहाँ के लोग जो है कहना चाहिए कि पानी के अलावा, पानी और नाली के अलावा जो कोई शिकायत नहीं बता रहे हैं फिलहाल। चलिए फिर किसी दूसरे मोहल्ले में चलते हैं, देखते हैं पार्षद ने क्या काम किया, कितनी उम्मीदों पे खरी उतरी, चलिए जानते हैं दूसरे मोहल्ले में। कुछ लोग हैं उनसे थोड़ी छोटी सी समस्या जानते हैं, बताएं क्या समस्या है। जो पाइप लगा है, ज्वाइंट हुआ है, हर ज्वाइंट से पानी बाहर आ रहा है जो नल में नहीं जा रहा। चांपा के सभी वार्डों का हाल जानेगा सीजी लाइव न्यूज। विकास के दावों की जनता के समक्ष होगी असली परीक्षा। क्या क्या समस्याएं हैं? और जो अभी तो नाली बन चुका है, अभी है ना, उसमें ढक्कन चाहिए। वार्डो की जाम नाली, कचरे का अंबार, लीकेज पाइप से पानी की किल्लत आदि सभी समस्याओं पर होगी खुलकर बात, जिसमें होंगे आपके पार्षद और आप।
चांपा नगर पालिका के सभी वार्डों में 1 नवंबर से शुरुआत हो रही है। अब बोलेगा चांपा। वार्ड परिक्रमा के दौरान पार्षदों के द्वारा आपके वार्ड में कितना विकास कार्य किया गया और क्या उनके द्वारा जो आपके कामों में जो आप चाहते थे वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो चलिए हम चलते हैं आप ही के मोहल्ले में और आप ही के वार्ड में, देखते हैं वार्ड परिक्रमा। अब बोलेगा चापा। आपके पार्षद से आप लोगों ने नहीं कहा? बोल चुके हैं और ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं आपके पार्षद, क्या बोलते हैं? पार्षद तो ऐसे आही आही बस कहते था, बस उसके पार्षद ना कुछ नहीं करा था मन के पार्षद। पार्षद आते यहाँ चापा के वार्ड नंबर 1 से प्रारंभ होगा वार्ड परिक्रमा, तो तैयार रहिए 1 नवंबर से आपके पास आपकी समस्या जानने आ रही है सीजी लाइव न्यूज की टीम। क्या नाम है आपका? शिव कुमार देवांगन। देवांगन जी बताइए, आप जो समस्या बताएं क्या समस्या है? नाली का जो समस्या, वहाँ पूरा टूट गया है नाली पूरा, वहाँ पर जो भी ट्रैक्टर आता है ट्रैक्टर से जैसे हम लोग बनाए थे वहाँ से वो टूट गया है। तो मैं बोला खाली जैसे यहाँ पर किए हैं अभी घनश्याम देवांगन यहाँ का जो टेंडर लिया है वो, तो मैं बोला यहाँ पर भी ऐसे उसको निकाल दो, उसको लगा दो, उसके बाद में वो हो जाएगा। तो नहीं बोलेगा, वो नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? मेरे को क्या पता। तो आपके पार्षद से कहा आपने? पार्षद को बोला हूँ मैं। क्या बोले पार्षद? पार्षद बोले हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। इसीलिए मेरे घर के लोग पूरा नाराज हैं, बस आप बता रहा हूँ, ये मेरा सच्चाई है। अच्छा नाराज हैं, और भी लोग नाराज हैं कि आप ही एक? नहीं, और उधर नाली निकलेगी ना, और उधर नाली सब जिन हैं। अच्छा। लेकिन हमारे पार्षद के नाराज नहीं है, हम इससे नाराज नहीं है पार्षद से ना। तो अभी फिर से इनकी माता जी फिर मैदान में आएंगे तो आप? बिल्कुल, ये तो खुद इसको खुद पता है, बिल्कुल हम सामने खड़े हैं हम लोग। विजय जी क्यों इनकी समस्या? नहीं मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ ना, क्या है जो इनकी जो समस्या है वो घनश्याम भैया को ये बोले हैं जैसे, तो एक्चुअल में होता क्या है, जितना फंड आया रहता है वो उतने ही काम के लिए रहता है। मैं इनको भी बोल चुका हूँ कि जैसे ये काम कंप्लीट होगा तो आपको दो नाली और बताएं वहाँ पर जहाँ पर बनाना है करके, वहाँ का और यहाँ का ये ज़्यादा बड़ी काम नहीं है, 40-50 रुपये के अंदर में काम है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पूरा नया तोड़ के लंबा बनाना है करके, छोटा सा नाली है, ज़्यादा नहीं 10 फीट का होगा वो, 10-20 हज़ार। इनकी समस्या दूर वो इस महीने के अंदर ही हो सकता है, 15 दिन में हो जाएगा। 15 दिन में। चलिए देवांगन जी आपकी 15 दिन के बाद जो है समस्या का समाधान जो है बताने की कह रहे हैं, ठीक है? विजय भाग बात नहीं है, ये भाई जो भी कर रहे, चलिए ठीक है। उसका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कौन है घनश्याम? कौन है मेरे को क्या पता। तो आपने तो बात किया, कौन है घनश्याम? वो टेंडर वाला जो अभी रोड यहाँ बनाया है वही तो है, ठेकेदार है। ठेकेदार है। तो आप अपने पार्षद से कहिए। चलिए ठीक है, आपसे चर्चा। अच्छा और किसी को कोई परेशानी? बाबा आप क्या बोल रहे थे? निराश्रित नहीं बना थे। निराश्रित नहीं बना है? हाँ। गरीबी रेखा का कार्ड बना है कि नहीं बना है? बना। गरीबी रेखा का कार्ड बना है? हाँ। निराश्रित नहीं बना? हाँ। इनका गरीबी रेखा कार्ड जरूर है, लेकिन जो निराश्रित जैसे बनता है उसमें क्या होता है, 2007-08 का राशन कार्ड चलता है। अगर 2007-08 का राशन कार्ड गुम गया है, फट गया है, तो सर्विस सूची में नाम रहता है। और इनका 2007-08 के सर्विस सूची में कहीं पर भी नाम नहीं है। उसके बाद भी मैं इनके लिए कई बार प्रयास कर चुका हूं, लेकिन बिना 2007-08 के सर्विस सूची के बिना इनका पेंशन नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं पार्षद जी, है ना, और आपकी समस्या का समाधान जल्द ही पूरा करेंगे। विजय नामदेव पार्षद अपने वार्ड में सक्षम है, ना केवल अपने वार्ड को ही ना देख करके दो तीन को भी देखता है। मैं वार्ड नंबर 3 का सदस्य हूँ और मेरा वार्ड का जो पार्षद जो है आज तक के साइन के लिए तरसते हैं, लेकिन विजय नामदेव मेरा भी काम कराया है इसलिए मैं उसके बारे से बोल रहा हूँ। ना ही मैं उसका ये दबाव में आकर के, ना ही किसी, मैं खुशी से बोलता हूँ, उनका काम देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। हर वार्ड में मैं घूमा भी हूँ और जानता हूँ उनका छवि अच्छा है, कार्य में हर चीज़ में डटे रहते हैं वो। ये पार्षद के खास हितैषी हैं और इन्होंने जो है पार्षद की तो तारीफें पुल बांध दिए हैं। और चलिए आगे देखते हैं, और कोई जो है पार्षद से जो है कामों से नाखुश नजर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवक राम है। सेवक राम जी, हाँ, क्या समस्या है, क्या बता रहे हैं? यहाँ कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है नगर पालिका की ओर से। ये रोड बनना है तो पूरा रोड बनना है, वहाँ जहाँ तक की है सीमा वहाँ तक बनाए, ये तो टुकड़ा टुकड़ा बना रहे हैं। तो क्यों नहीं बना रहे हैं? अब क्यों नहीं बना रहे हैं? नगर पालिका वाले जाने, नगर आपके अध्यक्ष पार्षद हैं आपके साथ में ही? हाँ। तो पार्षद का भी अप्लाई नहीं किया होगा तो कहाँ बनेगा?
पार्षद को तो हम लोग पार्षद को हम लोग बार बार बोल रहे थे कि यहाँ का रोड जो है टूटा फूटा है, नाली का नवीनीकरण कराना है और नए लोगों को नाली का व्यवस्था देना है, लेकिन पार्षद महोदय जो है हो जाएगा पंचवर्षीय निकल गया, फिर चुनाव आने को है। तो कितना आपकी उम्मीदों में खरा उतर रहे हैं पार्षद जी? एक पैसा पूरा 100% फेल है। पूरा फेल है? हाँ। जीरो में जीरो मार जीरो में जीरो पूरा जीरो। हाँ। एक आध कुछ नंबर देंगे उनको? क्या नंबर दूंगा, काम ही नहीं हुआ तो नंबर देने की बातें क्या है। अब यहाँ पे कुछ लोग तो संतुष्ट नजर आए और कुछ लोग जो है उनके कामों से संतुष्ट नजर नहीं आए, और पक्ष विपक्ष तो रहता ही है, कुछ लोग पक्ष में रहते हैं कुछ विपक्ष में रहते हैं। आज सीजी लाइव की न्यूज टीम वार्ड नंबर एक में वार्ड भ्रमण की और वार्ड परिक्रमा की, अब बोलेगा चापा, इसी कड़ी में आज जो हमने वार्ड नंबर एक का जो है वार्ड परिक्रमा जो है पूरी की, अब वार्ड नंबर दो की बारी है। तो कल देखिएगा वार्ड नंबर दो वहाँ के पार्षद के द्वारा क्या काम कराया गया, कितनी वहाँ की जनता उनसे खुश है नाखुश है जानेंगे कल सीजी लाइव में। देखिएगा वार्ड परिक्रमा, अब बोलेगा चापा। 1 नवंबर से आपके पास आपकी समस्या जानने आ रही है सीजी लाइव न्यूज की टीम।